हल्की फुल्की आंधी या भज जाए मोटा तरह जाए आंधी हुई। अच्छा म्यूट ऑल कर ले। नहीं अच्छा अच्छा बस ठीक ठीक हाँ ओके। ठीक। ओके जी, कल के लेक्चर का या कल एंड पे किसी की कोई क्यूरी रह गई थी तो वो अगर क्वेश्चन करना चाहता है तो बिफोर लेक्चर हम पहले उसको ले लेते हैं। तो रेज हैंड करके आप पूछ सकते हैं अगर कल की कोई भी बात रिमेनिंग आप में से किसी ने पूछनी थी। सबको वॉइस आ रही है मेरी? ये वॉइस के लिए जरा रेज हैंड कर दें सब लोग, कि सब लोगों को आवाज आ रही है। ओके यानी वॉइस के लिए ओके है, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। ओके अब लोअर हैंड कर लें, और कोई क्वेश्चन है कल से रिलेटेड तो वो जो है वो मुझसे पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट शुरू कर लेंगे। जी तैयब, आपका क्या क्वेश्चन है? सर, हमारे पास जो आपने बुक कही थी वो नहीं है, तो अगर आपके पास पीडीएफ में है तो वो सेंड कर दें। वो तो बच्चे पहले दिन बताया था कि ये पीडीएफ या सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ये हार्ड फॉर्म में ही अवेलेबल है कॉलेज से। इसीलिए 2 दिन दिए गए थे कि आप 2 दिन में इजीली मैनेज कर लें जिस दिन आपके लिए पॉसिबिलिटी है। सर, हम तो फैसलाबाद से काफी दूर रहते हैं, इस वजह से आ नहीं सकते, काफी हालात खराब हैं, तो आने भी नहीं दे रहे। उसके लिए फिर अब दूसरा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या आप हसन या कयूम लोगों से देख लें, अगर वो TCS के जरिए आ सकती है तो वो आपको गाइड कर देंगे कि वो आपको यहाँ से, फिर आप उनको किसी तरह पेमेंट भिजवा दें, वो आपको TCS करवा देंगे, आपको घर पे पहुंच जाएंगी जितनी बुक्स चाहिए। ये उनसे आप डिस्कस कर लें, कोई ना कोई वो सोल्यूशन आपको सजेस्ट करें। जी, थैंक यू सर। जी कुरतुलैन, आपका क्या है क्वेश्चन? हेलो आपसे ये पूछना था कि ये बुक जो आपने कहा था ये तो ले ली है, इसके अलावा आईकैप की बुक को भी फॉलो करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा किसी और बुक से एक वर्ड भी देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी इसके अलावा किसी किस्म की हेल्प बुक से, कोई नोट्स, कोई आई कैप की बुक, कोई किसी किस्म की एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज दी 100% फुल कोर्स। थैंक जी रोमैसा सर, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था जी, कि हम लोग आईकैप की बुक क्यों नहीं यूज कर रहे इसके लिए? उसमें देखिए मैंने पहले दिन गाइड किया था कि 3-4 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमने पहले 2 साल में फेस किए हैं, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आता है और हमारा रिजल्ट बुरा आता है। पहला प्रॉब्लम ये है कि आईकैप तमाम टॉपिक्स में जितने रिक्वायर्ड डायग्राम्स हैं, ग्राफ हैं, वो ड्रॉ नहीं करता। मसलन ये अभी हम आज चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, तो चैप्टर नंबर 2 में जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको हर तीसरे चौथे टॉपिक में पता चलेगा कि 4 डायग्राम्स रिक्वायर्ड थी, आईकैप की बुक में सिर्फ 2 हैं या 1 है, बाकी 2 को वो डिस्कस ही नहीं करता, हालांकि क्वेश्चन उनका भी आ सकता है। तो एक तो कोर्स मटेरियल 100% अवेलेबल नहीं है। दूसरा फिर कुछ प्रॉब्लम हमारा इस किस्म का आता है कि आईकैप की बुक की लैंग्वेज जो है वो स्टूडेंट के लिए इतनी फ्रेंडली या इजी नहीं है कि अगर वो डेफिनेशंस को या उन चीजों को मेमोराइज करना चाहे, या खास तौर पे जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं उनमें स्टडी करके स्टूडेंट हमें पहले 2 ईयर्स में प्रॉब्लम देता रहा है कि सर यहाँ से समझ नहीं आ रही, ये वर्डिंग ही पता नहीं चलती, इसकी वर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं ओवरऑल बुक में। तो ये 2 इतने मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से फिर हम इस बुक को फॉलो करते हैं, और ये हमने डेवलप ही इस पर्पज के लिए की है, और इसका हमें फिर रिजल्ट बहुत अच्छा मिल गया। पिछले 3 साल से हम 2.5 साल से यूज कर रहे हैं, 5 अटेम्प्ट से हमारा रिजल्ट जो है वो तकरीबन डबल हो गया, 30-31% से हम 60% प्लस पे आ गए।
तो हमारे लिए तो स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि स्टूडेंट का रिजल्ट जहां अच्छा आता है हम उसको जो है वो क्या कह लें प्रेफर करते हैं, दैट्स व्हाई। सर थैंक यू जी। अबू बकर जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर यहाँ से कोई हमें डेफिनेशन ज्यादा मुश्किल लगे, टफ लगे, तो बीकॉम लेवल की जो बुक है अगर वो डेफिनेशन वहां से फॉलो कर ले। नहीं, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। ये पहले क्वेश्चन के आंसर में भी मैंने यही बात की कि इसके अलावा आपने किसी बुक को यूज करने की कोशिश नहीं करनी। उसकी असल में एक बहुत बड़ी वजह है, जो क्वेश्चन तो होगा आपका डेफिनेशनल जिसमें मेमोरी रिक्वायर्ड है या आम जबान में आप कह लें रट्टा रिक्वायर्ड है, वो डेफिनेशन तो खैर प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बीकॉम वाली भी लिख दें तो शायद आपको नंबर मिल जाए इजीली। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि अगर उस डेफिनेशन में से उसने एमसीक्यू एक नंबर का बना के दे दिया तो वो एमसीक्यूज की लैंग्वेज आपकी बिल्कुल बीकॉम वाली नहीं होगी। तो आप एमसीक्यूज में या ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आपने खुद से कुछ कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करना है, बेस वो डेफिनेशन पे ही करेगा लेकिन लिखना आपने अपने समझ के मुताबिक है। तो अगर आपने बीकॉम बुक की डेफिनेशन या किसी भी और बुक की डेफिनेशन की होगी तो शायद एग्जामिनर के उस क्वेश्चन को आप पिक ना कर सकें। तो इसलिए आप डेफिनेशन के लिए वहां से तैयारी करें, कॉन्सेप्ट के लिए यहां से करें तो डबल काम से बेहतर है। आप डेफिनेशन भी यहीं से कर लें, उस डेफिनेशन में से वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, एमसीक्यू दे, कुछ भी कर ले, आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है, डेफिनेशन भी तैयार हो गई है। तो इसलिए आपने इसी को ही फॉलो करना है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि डेफिनेशन वाला दो नंबर तो आप ले लें लेकिन अगर एमसीक्यूज में एक आध नंबर या कोई और शॉर्ट क्वेश्चन दो नंबर का आ जाता है तो वहां पे आपको मुश्किल आए। तो आपकी दोनों चीजें हमने कवर कर दी जी। ठीक है सर। सर मैंने मैंने आपसे एक और बात पूछनी थी कि जो आईकैप का क्वेश्चन बैंक है इसका जी जी इकोनॉमिक्स का जी जी, वो हम मतलब कि यूज कर सकते हैं कि नहीं? वो करेंगे लेकिन उसमें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपने क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज जो है वो स्टडी करने हैं चैप्टर वाइज साथ साथ। जो सब्जेक्टिव पार्ट है क्वेश्चन बैंक का उसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बैंक अपडेट नहीं हुआ, वो 6 साल पुराना क्वेश्चन बैंक है। उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो अब सिलेबस में ही मौजूद नहीं है। तो आप एमसीक्यूज का पूरा पोर्शन क्वेश्चन बैंक से जरूर पढ़ेंगे, एमसीक्यूज में कोई इशू नहीं है। आप जितने चैप्टर पढ़ते जाएं साथ साथ उसके एमसीक्यूज करते जाएं, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन या आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। उसकी तैयारी हम किस तरह करेंगे, जैसे ही हम माइक्रो का पोर्शन कंप्लीट करेंगे हम पिछले 5 अटेम्प्ट्स के पेपर क्लास में सॉल्व करेंगे कंप्लीटली। तो क्वेश्चन बैंक का काम यही होता है आपको थोड़ा सा आइडिया देना कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम 5 पिछली अटेम्प्ट्स पूरी की पूरी 100% सॉल्व कर लें तो आपका आइडिया बिल्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक में असल में ये सब्जेक्टिव और पार्ट में एक प्रॉब्लम है कि उसमें इतने ओल्ड क्वेश्चन भी हैं जो इवन अब सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक में से सिर्फ आपने एमसीक्यू स्टडी करने हैं और कोई क्वेश्चन नहीं स्टडी करना। जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन अहमद आप बताएं भाई, इसके बाद फिर बस क्लास शुरू करते हैं। सर मैंने पूछना था आपकी वीडियो नहीं आ सकती स्क्रीन के साथ? ये तो यार कोई मेरे ख्याल में ना वो सेटिंग का इशू है, उसमें कोई मैनेजमेंट में कर रहे हैं क्योंकि वो स्क्रीन भी उसी साइड पे है, कैमरा भी उसी के साथ है, तो इसलिए वो थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं भी एक आध दिन में दो दिन में रिजॉल्व हो जाए तो फिर हम अकाउंटिंग के सर के साथ आती है ना, मैं इसलिए चलेंगे। मैं आज इनसे क्लास के बाद डिस्कस करता हूँ, मेरी क्यों नहीं जा रही। थैंक यू सर। ओके ओके जी, बाकी हम फिर जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अगेन 15-20 मिनट के बाद ब्रेक करेंगे, उसमें कोई भी फर्दर क्वेश्चन होगा तो वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, आज देखिए मैंने एक मैसेज भी किया था सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आज हम पहले एक छोटा सा लेक्चर जो स्टडी करेंगे मे बी वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम चैप्टर 2 शुरू कर लें, या शायद आज वो सिर्फ वही कंप्लीट हो और चैप्टर 2 हम कल से आते ही शुरू करेंगे। लेकिन जो आज हम एक छोटा सा लेक्चर करने जा रहे हैं ये बेसिकली डायरेक्टली आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन ये आपकी पूरी इकोनॉमिक्स की बेस है। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली ग्राफ्स या डायग्राम्स क्या होती हैं।
आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आईकॉम बीकॉम से आए हैं या नॉन मेडिकल से आए हैं, उनके लिए ग्राफ का आइडिया शायद इतना मुश्किल ना हो। फिजिक्स में और कई जगह पे मैथ्स में वो ग्राफ्स बनाते रहे हैं, समझते रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल या अदर देन आप कह लें नॉन मेडिकल और आईकॉम बीकॉम के अलावा बैकग्राउंड है, उन्होंने शायद पिछले 2 साल में कभी ग्राफ देखा ही ना हो। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लें कि आज हमने बेस समझनी है कि ग्राफ या डायग्राम क्या होती है इकोनॉमिक्स के लिहाज से, उसको हम इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करते हैं। ये पूरे सेमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका इसलिए है कि अगर आपको डायग्राम समझ में आएगी तो आपको पूरी इकोनॉमिक्स समझ में आएगी, क्योंकि 70% टॉपिक्स में एक्सप्लेनेशन डायग्राम की मदद से होगी, मोर देन 70%। तो इसलिए डायग्राम्स को समझना, डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसको समझते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, आप जितनी गुड ग्रिप इस चीज पे कर लेंगे डे वन से, उतना ही आपके लिए हर टॉपिक समझना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट आइडिया व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ होता क्या है, बेसिक डायग्राम की डेफिनेशन जो है, अ डायग्राम शोइंग द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज टिपिकली ऑफ टू वेरिएबल्स ईच मेजर्ड अलोंग टू एक्सिस। बेसिकली डायग्राम जो है वो टू एक्सिस पे मेजर की जाती है, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होता है हमारे पास। जी देखें जी, ये सर ईशान की तरफ से कल भी एक इंस्ट्रक्शन थी, आप में से बहुत से लोगों ने फॉलो नहीं की। सर ने कहा था कि जो आपका इस प्रोग्राम में जूम में नेम है उसके शुरू में आपका क्लास रोल नंबर आना चाहिए जो आपका एएफसी से चलता आ रहा है, उसके बाद आपका एक्चुअल नेम आना चाहिए जो आपका कॉलेज रजिस्ट्रेशन में है। जिन लोगों के इस फॉर्मेट में नहीं है उनको 1 मिनट दिया जा रहा है, वो अपना नेम रीचेंज कर लें। पहले आपका रोल नंबर आएगा, उसके बाद आपका अपना नाम होना चाहिए। जी नीचे जहां पे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका नेम चेंज करने का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। जी जिन लोगों ने ये ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, मसलन 523 ब्रैकेट तौसीक है, 564, ये ब्रैकेट्स भी रिमूव कर दें। अली हैदर, अलीशा चौधरी, मुआज, इंजा शकील, हमजा शकील, हसन रियाज, इलियास, मोहम्मद फिजान, निमरा बशीर, सबूर राणा, वाजिद अली भट्ट, जी अब्दुल्ला अहमद, आप भी रोल नंबर पहले कर लें अपना 550 और उसके बाद नेम चेंज करें। जी अजीज अली, आप अपने रोल नंबर के बाद स्पेस दें, रोल नंबर स्पेस देन आपका नेम होना चाहिए। 530 गुलाम नसीर, जी रोल नंबर के बाद आप भी स्पेस दे लें भाई। जी आप लोगों के लिए भी एक और इंस्ट्रक्शन है कि सर कयूम ने कल एक वीडियो में प्रॉपर तरीका आपको गाइडलाइन दी है कि जूम में परमानेंटली अपना नेम चेंज करने का क्या तरीकाकार है, तो उस तरीके को फॉलो करते हुए आप कर लें, फिर आपको किसी भी मीटिंग में किसी जब भी आप क्लास ले रहे होंगे उसमें जब आप एंटर होंगे तो आपको ये बार बार चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो परमानेंट वही नेम आपका जो है वो हर मीटिंग में ऑटोमेटिकली शो हुआ करेगा। जी निमरा बशीर, आपका क्या इशू है, आपने अभी तक वो किया नहीं है? लिख तो दिया
निम्रा बशीर आपने रोल नंबर नहीं मेंशन किया, आप ही देखना था ना। आप ही देखो जरा, इधर देखो ना, ये मेरा नाम लिखा है ना, इसके साथ रोल नंबर भी मेरा शो नहीं हो रहा मुझसे, देखो ना आ रही है वो साथ, देख ना निम्रा बशीर है ना, इधर मेरा रोल नंबर भी साथ आए 5824। सुन मतलब मेरा एएफसी का रोल नंबर भी लिखना है ना, तो मुझसे नहीं पता चल रहा। रोल नंबर क्या है निम्रा बशीर आपका? सर मेरा 584 है। 584 है सर, मुझसे 84. हो नहीं रहा, मैं अपनी बहन 84 सर, मैं अपनी बहन को कह रही हूँ, आप ही करके देखो 84। तो सर मैंने लिखा तो वो पता नहीं मुझसे हो नहीं रहा। ओके ये इधर से फिलहाल सर ने कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप इसको बिफोर टाइम जो है वो मैनेज कर लीजिएगा। जी आपको सर कयूम ने दोबारा वीडियो ग्रुप में सेंड कर दी है, वो क्लास के बाद आप लोग देख लीजिएगा और वो परमानेंटली अपना नेम जो है वो जूम सॉफ्टवेयर में अपना चेंज कर लें, ताकि रोजाना ये चीज आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमें क्लास रोकनी भी पड़ेगी, फिर किक आउट भी किसी को करना पड़ेगा, तो ये इशू ना बने फिर आप लोगों के लिए। ओके जी, देन दोबारा हम टॉपिक पे आते हैं वापस। हम स्टार्ट कर रहे थे कि बेसिकली व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ होता क्या है। हमने बेसिक डेफिनेशन की कि ग्राफ बेसिकली दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, जो हमारे पास हॉरिजेंटल नीचे की तरफ एक्सिस है उसको हम कॉमनली एक्स एक्सिस कहते हैं, और दोनों ग्राफ्स जहां से शुरू हो रहे हैं उसको हम ओरिजिन ऑफ द ग्राफ कहते हैं, और ओरिजिन में हमेशा किसी भी ग्राफ में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो होगी। जैसे जैसे हम राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे एक्स एक्सिस पे जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वाई एक्सिस के वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी अगर हम ओनली राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दाएं तरफ जा रहे हैं, तो सिर्फ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर हम सिर्फ ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स इसके साथ हम कर लेते हैं कि ताको आपको फर्दर जो है वो कंफर्टेबल वे में आपको ये आइडिया अंडरस्टैंड हो जाए कि बेसिकली हम ग्राफ किस सेंस में यूज करते हैं। मतलब एक्स एक्सिस पे हमारे पास वैल्यूज 0, 5, 10, 15, 20, 25 up till 30 हैं। इसी तरह वाई एक्सिस पे मैंने जरा डिफरेंट गैप से वैल्यूज रखी हुई हैं, 0 है, देन 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पे एक चीज आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी ग्राफ बनाया जाता है ग्राफ में एक चीज का लाजमी ख्याल रखा जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये हमेशा इक्वल रहेगा। यानी कि ये तमाम पॉइंट्स 0 से 10 तक का फिजिकल डिस्टेंस, 10 से 20 तक का, 20 से 30, 30 से 40 तक ये इक्वल होगा। दूसरी तरफ अगेन हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल दूसरी साइड पे है 0 से 5 तक का डिस्टेंस, 5 से 10 तक का, 10 से 15 तक का, 15 से 20, अगेन ये फिजिकल डिस्टेंस जो है ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आप नंबर्स सेम कर लें कि 5-5 का गैप है नंबरिंग में और डिस्टेंस फर्क कर लें। अगर आपके नंबर्स सेम हैं, एक्स एक्सिस पे हर नंबर में 5 का फर्क है, 0 से 5, 5 से 10, मजीद 5 15, देन 20, देन 25, तो डिस्टेंस भी बराबर रहना चाहिए। मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल हम यहां पे तो 5 लिखा हुआ है हमने एक्स एक्सिस पे, लेकिन अगर हम इस जगह पर मूव करके दूसरा पॉइंट यहां लेते हैं और इस पॉइंट पे हम 10 लिख लेते हैं तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? 0 से 5 हमने दिस मच डिस्टेंस से शो किया है, दिस इज द डिस्टेंस जो हमने 0 से 5 के लिए लिया है, तो अगले 5 यूनिट को शो करने के लिए भी इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हम यहां से लेकर इस पॉइंट तक कहेंगे कि यहां पर तो वैल्यू 5 है लेकिन यहां पर जाके 10 है, तो मोर डिस्टेंस को हम कम वैल्यू दे रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आमतौर पे अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स जो नॉन मेडिकल या आईकॉम बीकॉम से नहीं होते उनके पास ये ग्राफ बनाने में हमेशा गलती रह जाती है थ्रू आउट द इकोनॉमिक्स। इस चीज का आपने ख्याल रखना है।
ओके अब हम इसको जरा फर्दर एग्जांपल्स करते हैं. आज हमारे पास बहुत बेसिक सी एग्जांपल्स हैं, उससे आपको कंप्लीटली आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ हम यूज कब करते हैं. मसलन फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला है, वी कैन शो एंड एक्सप्लेन मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. हम ग्राफ के जरिए असल में मुख्तलिफ वेरिएबल्स का आपस में तल्लक, रिलेशनशिप, रिश्ते को एक्सप्लेन करते हैं. मसलन मैं यहाँ पे एक बेसिक ग्राफ ले रहा हूँ जिसका फिलहाल इकोनॉमिक्स से कोई तल्लक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी पे बैठे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं मोटरवे पे, हम ये बताना चाहते हैं कि आपने कितने मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है. दो वेरिएबल्स हैं, टाइम एक वेरिएबल है, डिस्टेंस दूसरा वेरिएबल है. हम इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं. हो सकता है गाड़ी आपने कहीं पर स्लो चलाई हो सकता है कहीं पे तेज चला रहे हो सकता है पूरा टाइम आप एक ही कॉन्स्टेंट स्पीड से चलाते रहे हो. वेरी बेसिक आइडिया, टाइम के एक्सिस पे हमने मिनट्स में ले लिया है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 20 25 30 मिनट्स, टोटल आधे घंटे को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आधे घंटे में हमने कितना ट्रेवल किया है. दूसरी साइड पे हमने किलोमीटर्स लिए हैं, 10 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स. अब मैं एक फर्स्ट डॉट शो कर रहा हूं, येलो कलर में डॉट है. ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है दो चीजों को, एक हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मिनट्स को एक्स एक्सिस पे, दूसरी तरफ ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को 10 किलोमीटर्स को. अब ये दोनों चीजें मिलके हमें क्या बता रही हैं? डॉट वन या फर्स्ट डॉट शोज दैट के ये गाड़ी 5 मिनट में 10 किलोमीटर का फासला तय करेगी, ओके, या इसने तय कर लिया है. देन नेक्स्ट हम लेते हैं पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड येलो पॉइंट. अब ये हमें अगेन दो इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 10 है यानी 10 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू 20 है, 20 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 15 एंड 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट 20 और 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन तमाम पॉइंट्स को ओरिजिन से स्टार्ट करके आप एक लाइन की मदद से आपस में ज्वाइन कर दें तो सिंपली ये जो हमारे पास ज्वाइनिंग लाइन बनी है इसका हम अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं कि ये किस चीज को शो कर रही है. मसलन मैं कह सकता हूं कि ये टोयोटा क्रोला गाड़ी का ग्राफ है कि वो आधे घंटे में मोटरवे पे कितना सफर कवर करती है, या गाड़ी ए गाड़ी बी गाड़ी सी का ग्राफ है. तो ये बिल्कुल बेसिक आइडिया है कि हम ग्राफ जो है वो किस तरह से किस सेंस में यूज करते हैं जब हम दो वेरिएबल्स को आपस में लिंक करना चाहें. यहां पर हमने टाइम और डिस्टेंस को आपस में लिंक करना चाहा कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा टोटल कितने किलोमीटर्स का सफर हमारा जो है वो कवर अप हो जाएगा. ओके, फर्दर स्टिल वेरी बेसिक एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राफ्स की आमतौर पर कितनी टाइप्स होती हैं, या खास तौर पर इकोनॉमिक्स में हमें कितनी किस्म के ग्राफ्स रिक्वायर्ड होते हैं. इकोनॉमिक्स में हमारे पास मेनली दो तरह के ग्राफ होंगे, एक में अपवर्ड लाइन होगी, ऊपर की तरफ लाइन जाएगी. प्रॉपर मैथमेटिकल नेम इसका पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं. दूसरी तरह का ग्राफ हमारे पास होगा डाउनवर्ड लाइन, लाइन नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, उसको हम मैथमेटिक्स की जुबान में या प्रॉपर सब्जेक्ट की जुबान में कहते हैं नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, देन इन दोनों की एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि अगेन हमारा जो बेसिक आइडिया है वो क्लियर हो जाए. अगेन कॉमन लाइफ की एग्जांपल हम ले रहे हैं, स्टिल हम अभी इकोनॉमिक्स में एंटर नहीं हो रहे. एक्स एक्सिस पे एज इन इयर्स हम ले रहे हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग जब पैदा होता है 0 ईयर से एज बढ़ने के साथ साथ उसकी हाइट को हम लिंक करना चाहते हैं. एनीवन, हमने कॉमन पर्सन ए सिलेक्ट कर लिया, हम उसकी हाइट और एज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जब वो 0 ईयर्स में डे वन पे था तो उसकी हाइट कितनी थी, जब वो 5 साल का हुआ तो उसकी हाइट कितनी थी, 10 साल का था तो कितनी, 15 साल पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, हम 60 साल तक, 100 साल तक एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो एक्स एक्सिस पे हम एज ले रहे हैं इयर्स में, नंबर ऑफ इयर्स, वाई एक्सिस पे हम हाइट फुट में ले रहे हैं, 1 फुट है, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7, एनी नंबर हम यूज कर सकते हैं. जस्ट एन एग्जाम्पल कि हाइपोथेटिकली हमने एक पर्सन सेलेक्ट कर लिया, हम हाईलाइट कर रहे हैं कि डे वन पे उसकी हाइट जो है वो फॉर एग्जाम्पल 1 फुट 2 3 4 इंच थी, जब वो 5 साल का हुआ तो उसकी हाइट 2 फुट थी, जब वो 10 साल का हुआ तो उसकी हाइट 3 फुट के करीब थी, जब वो 15 साल का हुआ उसकी हाइट 4 फुट के करीब थी, जब वो 20 साल का हुआ 5 फुट के करीब थी. तो बेसिकली इस ग्राफ में हमने एक्सप्लेन ये किया कि एज बढ़ने के साथ साथ पर्सन की हाइट बढ़ती है, और जब हम एज और किसी पर्सन की हाइट को आपस में एक्सप्लेन करना चाहें
तो उसको ग्राफिकली कैसे हम शो कर सकते हैं। मसलन ये पर्सन ए है, अब लेट अज्यूम ऑब्वियसली तमाम पर्सन की हाइट एक जैसी नहीं होगी, किसी की हाइट 25 साल की एज में डिफरेंट होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक और लाइन शुरू तो वहीं से कर रहा हूं लेकिन मैं इस लाइन को एंड थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं। अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दोनों पर्सन जो हैं वो अगर हम 20 इयर्स में कंपेयर करें तो पर्सन ए 20 इयर्स में तकरीबन 5 फुट से ऊपर उसकी हाइट थी, लेकिन पर्सन बी 20 इयर्स में उसकी हाइट जो है वो 4 फुट 2 इंच के करीब है। तो बेसिकली अगेन हम एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा जो एक्सप्लेनेशन हैं वो भी कर सकते हैं। तो पर्सन ए का ग्राफ हमने ड्रॉ किया, पर्सन बी का भी कर सकते हैं, सी का भी कर सकते हैं। ओके, अब असल कंसेप्ट इसमें अपवर्ड लाइन, अपवर्ड या पॉजिटिव लाइन का मतलब क्या है। असल में हम बताना ये चाहते हैं कि ये जो हमारे दोनों वेरिएबल्स हैं, एक्स एक्सिस का वेरिएबल और वाई एक्सिस का, इन दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो नोट कर लें आज, कि पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है जीरो से ऑनवर्ड, एक साल, दो साल, तीन, चार, पांच साल, उसके साथ साथ पर्सन की हाइट भी बढ़ती जा रही है। अब हाइट और एज का दोनों का अपवर्ड डायरेक्शन में एक साथ मूव करना, दोनों के नंबर्स एज बढ़ने के साथ हाइट बढ़ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। तमाम पॉजिटिव रिलेशनशिप की लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। यहां से शुरू कर लें, यहां से शुरू कर लें, यहां से शुरू कर लें, स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो, पॉजिटिव रिलेशन शुरू जहां से भी होगा लाइन ऊपर की तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगी, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे चल के इकोनॉमिक्स में कई जगह यूज करेंगे कि किस किस्म के वेरिएबल पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हमने कहा था कि बाज़ुकात ग्राफ डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ आएगा, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। अब इस सिचुएशन में मैं यहां पर एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं, जो बिल्कुल कॉमन कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स आप लोगों ने नहीं भी पढ़ी तो आपके लिए वो कॉमन है। मसलन हम सिंपली कनेक्ट करना चाहते हैं कि अगर बाकी तमाम फैक्टर्स एक सेकेंड के लिए हम एज्यूम कर लें कि वो इफेक्ट नहीं करते डिमांड को, तो हम प्राइस और डिमांड का लिंक आपस में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है डेली कि 5 यूनिट्स डेली डिमांड है, 10 यूनिट डेली डिमांड है, 15, 20, 25, 30, और उसकी प्राइस है कि अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस 1 रुपया होगी तो डेली डिमांड, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है तो क्या है। हम चेंज भी कर सकते हैं प्राइस को, हम 100, 200, 300, 400, 500 भी रख सकते हैं, एनी प्रोडक्ट। ओके, अब अगर बाकी तमाम फैक्टर कांस्टेंट कर दिए जाएं कि कोई और फैक्टर डिमांड को चेंज नहीं कर रहा, वेदर चेंज नहीं कर रहा, कोई भी इस तरह का चेंज नहीं है, तो प्राइस के साथ हमें यह पता चलता है कि हमेशा प्रोडक्ट का रिलेशन नेगेटिव आता है। यानी अगर प्रोडक्ट की प्राइस 5 रुपीज है, 5 रुपए प्रोडक्ट की प्राइस है, तो डेली टोटल डिमांड लेट अज्यूम 5 यूनिट है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट की प्राइस 5 से कम होके 4 पे आ जाती है, दूसरा डॉट हमारे पास, तो प्रोडक्ट की डिमांड 5 से बढ़ के 10 यूनिट पे चली जाती है। प्राइस कम हुई है, डिमांड पहले से बढ़ गई है। प्राइस फर्दर कम होती है, 2 पे आ जाती है, डिमांड फर्दर इंक्रीज हो जाती है, 20 पे चली जाती है। प्राइस फर्दर कम होती है, डिमांड फर्दर इंक्रीज कर जाती है। अब ये जो हमारे पास रिलेशनशिप बन रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आ रही है। आम जुबान में हम कहते हैं डाउनवर्ड लाइन, नीचे की तरफ, लेकिन इसके लिए प्रॉपर वर्ड हम यूज करते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप, कि अब ये जो दो वेरिएबल हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, इनका आपस में नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है। ये ऐसे दो वेरिएबल हैं कि जब प्राइस कम होती है तो इसके साथ साथ डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, या आप दूसरी तरह भी रिवर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की, मसलन 1 रुपीज पे डिमांड थी 25 यूनिट की डेली, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ के 2, 3 या 4 पे गई है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड 25 से कम होके 10 पे आ गई है। अगेन अगर हम देखें, प्राइस इंक्रीज हुई है, डिमांड कम हो गई है, इसका मतलब अगेन दोनों वेरिएबल इनवर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अपवर्ड ग्राफ पॉजिटिव रिलेशंस के लिए यूज होंगे, जहां पर हम कोई नेगेटिव रिलेशन का लिंक एक्सप्लेन करना चाहेंगे ग्राफ से, वहां पे डाउनवर्ड ग्राफ्स बना करेंगे और हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड या कॉन्सेप्ट है जो हम इकोनॉमिक्स में बार बार यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं स्लोप,
क्यूटी में आपने काफी हद तक स्लोप को अंडरस्टैंड भी किया होगा, यहाँ थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। स्लोप का पर्पज क्या है, इकोनॉमिक्स में हम कैसे यूज करेंगे, या स्लोप शो क्या करती है। स्लोप इज यूज टू सी हाउ अ वेरिएबल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अनदर वेरिएबल चेंजिंग। असल में जो अभी हमने दोनों ग्राफ ड्रॉ किए हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप का ग्राफ हो या नेगेटिव रिलेशनशिप का ग्राफ, हम उन दोनों ग्राफ की डायरेक्शन की स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से, अगर x की वजह से y चेंज हो रहा है तो कितनी स्पीड से हो रहा है, या y की वजह से x चेंज हो रहा है तो कितनी स्पीड से हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज की कैलकुलेशन को स्लोप कहा जाता है। कॉमनली हम स्लोप का जो फार्मूला यूज करेंगे वो आप सबको पता है, मैथमेटिकल फार्मूला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है हमेशा, यानी वाई एक्सिस डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। या वाई एक्सिस क्योंकि वर्टिकल होता है तो हम वाई के लिए बाज़ औक़ात राइज का वर्ड भी यूज कर लेते हैं कि राइजिंग साइड पे कितना चेंज है और एक्स रनिंग साइड को शो करता है। या फिर आप इसी y के लिए वर्टिकल का वर्ड भी यूज कर लेते हैं कि वर्टिकल एक्सिस पे कितना चेंज है और उसके अलावा हॉरिजेंटल एक्सिस पे कितना चेंज है। अब हम इसकी प्रॉपर एक एग्जांपल कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ग्राफ हो तो उस पे हम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे कि स्लोप मेजरमेंट क्या है और किस तरह से की जाती है। ओके जी, स्लोप्स जब भी हम मेजर करेंगे दो तरह की पॉसिबिलिटीज है, डायरेक्ट ग्राफ या पॉजिटिव रिलेशनशिप वाले ग्राफ की स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी अभी हम देख लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेगेटिव ग्राफ या इनवर्स रिलेशनशिप वाले ग्राफ की स्लोप का जवाब हमेशा माइनस में, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव साइन ही नेगेटिव रिलेशनशिप शो करने के लिए सफिशिएंट है। ओके जी, अब हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। जो हमारे पास लेफ्ट ग्राफ है रेड लाइन में, उसमें हमने नेगेटिव स्लोप ड्रॉ की हुई है। जो हमारे पास राइट साइड पे ग्राफ है ब्लू लाइन में, उसमें हमने एक पॉजिटिव रिलेशन शो किया हुआ है। फिलहाल हम वेरिएबल इग्नोर कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल है, वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल है, व्हाटएवर। ओके, हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है रेड कलर में, इसमें आप देखें पॉइंट ए पे हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू 40 है और एक्स एक्सिस की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली देन 10। दूसरे नंबर पे फिर बी पॉइंट पे वाई एक्सिस की वैल्यू 30 है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू जो है 20 है। अब स्लोप का मतलब असल में क्या है कि जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करेंगे या ग्राफ ए से बी पे मूव करेगा, तो ए से बी पे जाने का मतलब है कि वाई एक्सिस की वैल्यू भी बी पे पहुंचते पहुंचते चेंज हो जाएगी, एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। हम बेसिकली इन दोनों चेंजेस को, जो वाई एक्सिस पे चेंज आ रहा है और जो एक्स एक्सिस पे चेंज आ रहा है, हम इन दोनों चेंजेस को आपस में लिंक करना चाहते हैं। जो वाई एक्सिस का चेंज है उसको हम डेल्टा वाई का नाम देंगे, चेंज इन वाई, और जो एक्स एक्सिस का चेंज है उसको हम डेल्टा एक्स का नाम देंगे। ओके, देखिए पॉइंट ए पे हमारे पास वाई की वैल्यू थी 40, जब हम पॉइंट बी पे पहुंचे तो उसी y की वैल्यू कम होके 30 रह गई है, यानी y में 10 यूनिट का चेंज है और y 10 यूनिट कम हुआ है। दैट्स वाई ऊपर फार्मूला में देखें स्लोप जो है हमारे पास डेल्टा y, हमने उसकी वैल्यू लिखी हुई है -10, 10 चेंज हुआ है और क्योंकि y 40 से कम होके 30 पे आ गया है तो ये माइनस रेड्यूस हुआ है। दूसरी साइड पे x हमारे पास 10 से इंक्रीज होके, जब हम a पॉइंट पर थे तो a पॉइंट पर हमारे पास x की वैल्यू 10 थी, जब हम b पॉइंट पे पहुंचे तो y की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास 20 है, यानी a से b तक पहुंचते पहुंचते x भी 10 यूनिट ही चेंज हुआ है, लेकिन x 10 यूनिट बढ़ गया है तो x की वैल्यू हम प्लस में लिखेंगे। -10 y का है डिवाइडेड बाई +10 एक्स का चेंज है, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक तो आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव साइन जरूर आएगा क्योंकि एक वैल्यू दोनों में से नेगेटिव है, और वन आंसर आ गया। अब ये वन स्लोप ये बता रही है कि वाई और एक्स के चेंज होने की स्पीड एग्जैक्टली वन है, जितना वाई चेंज होता है उतना ही एग्जैक्टली एक्स चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पे आंसर एक के अलावा कुछ और होता, 2, 3, 4, तो अभी हम दूसरे ग्राफ में देखते हैं उसका मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंटली जो है वो क्लियर कर लें बिफोर दैट, कि अगर हम बी से ए पर बैकवर्ड भी कैलकुलेशन करें तो भी आंसर में फर्क नहीं आएगा।
क्या चेंज होगा? हमारे पास स्लोप जब हम लिखेंगे बी से ए की, तो ऊपर वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू चेंज इन वाई पॉजिटिव हो जाएगी और चेंज इन एक्स माइनस का 10 आ जाएगी। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि बी से ए की तरफ वापस जाते हुए एक्स की वैल्यू कम हो रही है, वाई की वैल्यू बढ़ रही है। वाई 30 था, ए पे पहुंचते पहुंचते वाई 10 यूनिट बढ़ गया है, हमने वाई की वैल्यू प्लस में लिख दी। और बी पे एक्स जो है वो 20 था और ए पे पहुंचते पहुंचते 10 रह गया है, एक्स को हमने माइनस में लिख दिया। आंसर इसका भी माइनस वन नहीं आना है, यानी स्लोप डायरेक्शन की वजह से कभी भी चेंज नहीं होती। आप ऊपर से नीचे की तरफ मेजर कर लें नेगेटिव लाइन को, या इसी नेगेटिव लाइन को आप नीचे से ऊपर बैकवर्ड मेजर कर लें, स्लोप वही रहनी है। ओके जी, नेक्स्ट अब हम पॉजिटिव ग्राफ में देखते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप वाले ग्राफ में अगेन आप ए से बी मेजर कर लें, बी से सी मेजर कर लें। हमने अपनी एग्जाम्पल में बी से सी मेजर किया हुआ है। जब हम बी वैल्यू पे थे, बी पॉइंट पे थे, तो हमारी वाई की वैल्यू 20 थी। जब हम सी पे पहुंचे, वाई की वैल्यू 20 से बढ़ के 30 हो गई। इस चेंज को हमने डेल्टा वाई का नाम दे दिया, और वो जो डेल्टा वाई है उसको हमने सिंपली कहा कि ये प्लस का 10 है। ऊपर हमने प्लस 10 लिख लिया फार्मूला में, जो ऊपर स्लोप का फार्मूला है। देन जब हम बी पे थे तो एक्स की वैल्यू 15 थी, जब हम सी पे पहुंचे तो एक्स की वैल्यू 20 है, 15 से 20 पे वैल्यू पहुंची है, यानी वाई एक्स में चेंज हमारे पास 5 है। अब दोनों ही प्लस के हैं, वाई भी इंक्रीज हुआ है 10 यूनिट, एक्स भी इंक्रीज ही हुआ है 10 यूनिट। ये प्लस का साइन सिर्फ आपको बताने के लिए यहां पे लिखा गया है, अदरवाइज आपको पता है मैथ में हम प्लस साइन ना भी लिखें तो ओके है। अब 10 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आंसर भी प्लस का आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर भी प्लस है, न्यूमिरेटर भी प्लस है, तो जवाब प्लस में ही आना है। अब एक तो यहां पे आंसर में हमारे पास साइन है प्लस में, उसके साथ दूसरा हमारे पास नंबर है। साइन हमें बता रहा है कि दोनों वेरिएबल का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। नंबर हमें 2 क्या बता रहा है कि अगर एक्स एक्सिस में एक यूनिट का चेंज आएगा तो वाई एक्सिस उससे 2 गुना चेंज होगा। अगर एक्स एक्सिस पे 5 का चेंज होगा तो वाई एक्सिस पे 10 का चेंज होगा। अगर एक्स एक्सिस पे 50 का चेंज होगा तो वाई एक्सिस पे 100 का चेंज होगा, उससे 2 गुना। यानी स्लोप का ये जो नंबर है ये हमें हाईलाइट कर रहा है कि कितने गुना इंपैक्ट आएगा। अगर यहाँ पे आंसर 3 होता तो 3 गुना इंपैक्ट होना था, यहाँ पे आंसर 10 होता तो 10 गुना चेंज आना था। तो बेसिकली स्लोप मेजर करने का पर्पस ये है कि हम दोनों वेरिएबल के रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को मेजर कर लें। अगर हम स्लोप मेजर ना करें, सिर्फ ग्राफ देखें, तो ग्राफ तो हमें सिर्फ ये बता सकता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों वेरिएबल का रिलेशनशिप कौन सा है, यानी एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ता है या एक वेरिएबल कम होने से दूसरा वेरिएबल कम होता है, क्या सिचुएशन है। स्लोप मेजर करना हमें उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दे देता है कि इन दोनों के चेंज होने की स्पीड क्या है। तो एक्चुअली एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज। एक्चुअली स्लोप का मतलब है कि हम चेंज के रेट को मेजर कर रहे हैं, ये जो तब्दील चेंज आ रहा है वाई और एक्स एक्सिस पे, इसकी स्पीड क्या है, इसका क्या रिलेशनशिप बनता है। ओके जी, नेक्स्ट एक छोटा सा और पॉइंट हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में कई किस्म के ग्राफ यूज करेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर ग्राफ। अगेन ये दोनों वर्ड आपने पहले भी स्टडी किए होंगे, लेकिन इसको जरा हम थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर लें। अगेन हम एज इन ईयर्स और हाइट का ग्राफ ले रहे हैं, जो हमने पहले ड्रॉ किया था उसी तरह का हम एक ग्राफ और ड्रॉ कर रहे हैं। लीनियर ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, सेकंड थिंग, मैं इसी के साथ एज और हाइट का ही एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन वो लीनियर स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा कर्व में है, नॉन लीनियर ग्राफ जिसे हम कहते हैं। नॉन स्ट्रेट लाइन जो है, एक सेकेंड जी, ये जरा वो सब में गेस्ट आ रहा है। हेलो हसन, 642
वैसे आप से तो सुन रहे हैं ना सारे? हाँ, सुन रहे हैं। तो सारा म्यूट क्यों नहीं हो रहा? जी आप बताएं। हसन अली आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें। 642 ओके जी, देन दोबारा क्लास जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, लीनियर एंड नॉन लीनियर ग्राफ। देखें वेरिएबल वही है, एज इन ईयर्स है, हाइट है हमारे पास। अब एज इन ईयर और हाइट का एक ग्राफ हमने पहले लीनियर ड्रॉ किया था, दूसरा नॉन लीनियर ड्रॉ किया है। अब अगर इन रियलिटी देखा जाए तो बेसिकली किसी भी पर्सन की हाइट को और एज को एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा बेटर अप्रोच नॉन लीनियर की होगी। उसकी वजह यह है कि किसी भी पर्सन की एज बढ़ने के साथ साथ अगर हम इस ग्राफ को 30, 40, 50, 60 इयर्स तक एक्सटेंड करें तो इट इज नॉट पॉसिबल कि उस पर्सन की हाइट हमेशा बढ़ती रहे। नॉर्मली ये आइडिया है कि 25 साल तक, 26 साल तक मैक्सिमम हाइट जो है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद नॉर्मल ह्यूमन बींग की हाइट जो है वो बढ़ना रुक जाती है। इसका मतलब ये हुआ। और फिर एक और लिंक ये है कि 0 ईयर से लेके 10 या 15 ईयर तक हाइट बढ़ने की स्पीड जरा ज्यादा होती है। तो यानी शुरू में हमारा ग्राफ अपवर्ड ज्यादा तेजी से जाना चाहिए सो दैट के शुरू में वो उस बात को एक्सप्लेन कर सके, और उसके बाद एक खास पॉइंट के बाद इसके बढ़ने की स्पीड कम हो जानी चाहिए, और मे बी एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 25 ईयर्स के बाद अब इसकी हाइट में मजीद इजाफा नहीं हो रहा, ये पर्सन 5 फुट 2, 3, 4 इंच जहां पर भी है वहीं पे स्टॉप कर गया है। ये ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है एज एंड हाइट की। तो ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो लीनियर कॉन्सेप्ट या ग्राफ की बजाय नॉन लीनियर ग्राफ हमें ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स में भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो लीनियर ग्राफ से हम इजीली एक्सप्लेन कर लेंगे। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, वो ज्यादातर एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ से एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि इजी है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिसमें हम ये देखना चाहेंगे कि इस वेरिएबल का दूसरे पे शुरू में कितना इम्पैक्ट है, कुछ अर्से के बाद कितना इम्पैक्ट है, और टिल द एंड इम्पैक्ट सेम रहता है या चेंज होता है, तो वहां पर हमारे पास जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर बनेंगे। तो एक तो ये लीनियर और नॉन लीनियर का हम डिफरेंस जो है वो माइंड में रखेंगे। अब स्लोप ऑफ नॉन लीनियर ग्राफ जो होती है उसको अगर हम हाईलाइट करें, अगेन एक डिफरेंट कॉमन लाइफ एग्जाम्पल है एज इन ईयर्स एंड इनकम। कि अगर हम इनकम और एज इन ईयर का ग्राफ आपस में एक्सप्लेन करें तो अगर हम शुरू में देखें तो नॉर्मली आप ये कह सकते हैं शायद 20-22 साल का कॉमन पर्सन अर्निंग स्टार्ट करता है, उससे पहले रेयरली लोग हैं जो इनकम स्टार्ट करते हैं। तो 20 इयर्स पे लेट अस्यूम 10,000 सैलरी पे किसी पर्सन ने जॉब शुरू की, जब उसकी एज 30 हुई तो वो शायद 30,000 या 35,000 की जॉब पे था, जब उसकी एज 40 इयर्स हुई तो वो शायद 40,000 की जॉब पे था, फिर 50 इयर्स 60 साल की एज है मे बी उसके बाद रिटायरमेंट एज आ जाए उसकी एनुअल इनकम कम होना शुरू हो जाए। अब अगेन इनकम और एज इन ईयर का अगर हम ग्राफ बनाए तो कांस्टेंट अपवर्ड लाइन की बजाय अगेन ये बेटर कॉन्सेप्ट है कि हम इसे नॉन लीनियर ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन कर दें। तो इस तरह के ग्राफ हम यूज करेंगे। अब इसमें देखें स्लोप्स चेंज होती जा रही हैं। शुरू में अगर आप देखें फर्स्ट पॉइंट से लेकर फर्स्ट रेड डॉट से लेकर सेकेंड रेड डॉट तक, इस फेज में हमारे पास स्लोप जो है वो ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव लाइन है। पॉजिटिव लाइन क्यों है? जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है फर्स्ट से सेकेंड पॉइंट तक इनकम भी बढ़ती जा रही है तो रिलेशनशिप पॉजिटिव आएगा। फर्दर जब हम सेकेंड पॉइंट से थर्ड पे जाते हैं तो भी स्लोप पॉजिटिव है, थर्ड से फोर्थ पे जाते हैं तो भी स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन जब हम एग्जैक्टली फोर्थ पॉइंट पे पहुंचते हैं अब इस फेज में अगर आप देखें तो ये स्लोप जो है वो आप इनकम में मजीद इजाफा होना रुक गया है। इस हिस्से में ये छोटा सा एक हिस्सा बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है।
एज बढ़ रही है, इनकम एनुअल लेवल पे उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, तो यहां पर हमें स्लोप जीरो नजर आएगी। यानी एक्स एक्सिस तो चेंज हो रहा है लेकिन वाई एक्सिस उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जीरो चेंज इन वाई है, तो यहां पर स्लोप जो है वो हमारे पास जो है वो जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो स्लोप इससे अगले हिस्से में नेगेटिव लेस देन जीरो हो जाएगी। जब तक स्लोप ग्रेटर देन जीरो थी पहले तीन पॉइंट्स पे तब तक ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप थी हमारे पास, जब ये जीरो हो गई तो ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन जब इससे अगले हिस्से में एज बढ़ने के साथ साथ इनकम कम होना शुरू हुई है तो इस हिस्से में हमारे पास जो स्लोप है इसकी वो नेगेटिव हो गई है, लेस देन जीरो स्लोप हम उसे सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक आइडिया के नॉन लीनियर ग्राफ पे हम डिफरेंट तरीकों से किस तरह से स्लोप की मदद से बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। देन सफिशिएंट है आज के लिए, और ये हमारा आज का लेक्चर भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। ये जस्ट आप कह लें कि एग्जांपल एक और आपके कॉन्सेप्ट के लिहाज से लास्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ग्राफ है चांसेस टू पास कि आप कैफ टू का कोर्स इकोनॉमिक्स का कोर्स कितने परसेंट चांस है कि आप पास कर जाएंगे। दूसरी साइड पे हमने स्टडी टाइम लिया हुआ है, आप डेली 15 मिनट पढ़ते हैं, 30 मिनट पढ़ते हैं, 45 मिनट है, एक घंटा है, 90 मिनट है। मैं जस्ट हाइपोथेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप ओनली डेली 15 मिनट स्टडी करते हैं तो जस्ट 20% चांस है कि आप ये कोर्स पास कर सकेंगे, इससे ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप मोर वैल्यू देते हैं स्टडी करने को, आप फॉर एग्जाम्पल रोजाना एक घंटा स्टडी करते हैं, 60 मिनट स्टडी करते हैं, तो आपके चांसेस वेरी इंपॉर्टेंटली इंक्रीज हो जाएंगे, 40% 50% पे पहुंच जाएंगे। अगर आप फर्दर स्टडी टाइम बढ़ाते हैं तो उसमें पासिंग रेशियो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगेन नॉन लीनियर कॉन्सेप्ट है। शुरू में देखें कि जब हमारा स्टडी टाइम जीरो से लेके 1 आवर तक था, इस फेज में पास होने के चांसेस में इजाफा बहुत स्लोली हुआ है, सिर्फ 20% से आप 40% पे आए हैं। लेकिन इससे आगे अगर आप 10-15-20 मिनट भी और ऐड कर लेते हैं कि डेली में एक घंटे की बजाय एक घंटा 10 मिनट पढ़ूंगा, तो वो सिर्फ 10 मिनट इजाफी इंक्रीज करने से आपके पासिंग चांसेस जो हैं वो ग्रेटली 40-60 पे आ जाते हैं, और इवन 100% पे। कि अगर आप 1.5 घंटा डेली पढ़ लेते हैं तो इन माई व्यू मेरा आइडिया ये है कि देयर आर 100% चांसेस के इंशाल्लाह आपका इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो अगेन अब इस कॉन्सेप्ट में हम स्ट्रेट लाइन से अगर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो शायद हम इतना अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन ना कर सकें। दैट्स ऑल जी, ये आज के लिए सफिशियंट है। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 का पहला टॉपिक जो है लॉ ऑफ डिमांड का, वहां से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब आप में से अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप 1 by 1 रेज हैंड जो है वो करते चले जाएं, तो उसके जरिए जो है फिर आपके मैं क्वेश्चन 1 by 1 करता जाता हूँ। जी जरनील हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जहां से स्लोप डिक्रीज हो रही है हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे? जहां से स्लोप डिक्रीज होना शुरू हुई है जी सर, वहां पे स्लोप जीरो होती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि स्लोप हम कॉन्टिन्यूस फिनोमेना में लेते हैं। जहां मैथमेटिकल अप्रोच में हम दोनों तरह स्लोप मेजर कर लेते हैं, मैथमेटिकल में हम 1 पॉइंट पे भी मेजर कर सकते हैं और बिटवीन 2 पॉइंट्स भी कर सकते हैं, या डेरिवेटिव अप्रोच भी होती है और अदर भी। लेकिन इकोनॉमिक्स में हमारा कंसर्न होता है दो तरह का। एक हमने कॉन्टिन्यूस चीज हाईलाइट करनी है कि अगर हमारा ग्राफ पूरे का पूरा पॉजिटिव है तो थ्रू आउट कॉन्सेप्ट क्या है, स्लोप पॉजिटिव है। अगर शुरू में पॉजिटिव है फिर वो चेंज हो रहा है और फिर नेगेटिव हो रहा है, तो हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। जहां पर स्लोप अपवर्ड है, ग्राफ की डायरेक्शन अपवर्ड है, वो पॉजिटिव स्लोप होगी। जहां पर स्लोप चेंज हो रही है और एक एक्सिस पे चेंज रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वहां पे स्लोप जीरो हो जाएगी। वाई एक्सिस चेंज जब स्टॉप होगा, और जैसे ही वो डाउनवर्ड जाना शुरू होगा अगला फेज उसका नेगेटिव स्लोप का होगा। और सर आपने बताया कि डिमांड प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड में डिक्रीज होती है। जी जी। तो जैसे अगर हम अदर फैक्टर को जीरो अज्यूम कर लें, कांस्टेंट अज्यूम कर लें, जी जी, तो जैसे कि सर पेट्रोल की प्राइस अगर वो इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड में तो डिक्रीज नहीं आती क्योंकि वो बेसिक नीड है। आती है बिल्कुल। ये हम कल से लॉ ऑफ डिमांड स्टडी करेंगे, उसमें हम ये सारी एग्जांपल्स करेंगे, बिल्कुल डिमांड पे इंपैक्ट आएगा और उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ये इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा कल। सर ये स्लाइड मिल जाएंगे हमें? जी जी स्लाइड्स मिल जाएंगे आप। थैंक यू सर। ओके जी। 525 हसन आपका क्या क्वेश्चन है?
हसन ओके जी नेक्स्ट 675 है जहीर आपका क्या क्वेश्चन है अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर ये जो लास्ट आपने एग्जांपल समझाई है पासिंग मार्क्स वाली सर काइंडली वो दोबारा समझा देंगे प्लीज अच्छा उसमें देखिए मैंने एक ना हाइपोथेटिकल फर्जी आप कह लें ग्राफ बनाया है मैंने आपको पहली क्लास में हाईलाइट किया था कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पे डेली एक घंटा या एक से सवा घंटा स्टडी कर लेता है घर पे यानी आज जो आपने लेक्चर लिया वो आप एक डेढ़ घंटा घर पे लगा के पढ़ लेते हैं तो उसके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है अब इस कॉन्सेप्ट को मैं फर्जी तौर पर ग्राफ में बताना चाहता हूँ कि पास होने के चांसेस और टाइम ये आपस में किस तरह लिंक है तो मैंने एक ग्राफ बनाया उस ग्राफ पे मैंने वाई एक्सिस पे चांसेस ऑफ पासिंग जो है वो लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे मैंने जो है वो टाइम लिया हुआ है कि आप डेली 10 मिनट 15 20 30 मिनट एक घंटा 60 मिनट 90 मिनट कितना पढ़ते हैं तो उसमें हमने कहा कि अगर आप डेली 15 या 20 मिनट पढ़ते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट पास कर जाएंगे इसके शायद सिर्फ 20% चांस हो बहुत मुश्किल है क्योंकि आप पूरा टाइम नहीं दे रहे मेहनत नहीं कर रहे तो चांसेस कम है पास होने के जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे टाइम बढ़ता जा रहा है आप एक घंटा देंगे 40-45% चांस है और अगर आप डेढ़ घंटा डेली लगा लेते हैं तो इन माय व्यू आई अंडरस्टैंड कि 100% चांसेस हैं कि जरूर इंशाल्लाह आपका कोर्स जो है वो क्लियर हो जाएगा तो ये मैंने असल में एक एग्जांपल दी कि जब हम दो वेरिएबल लिंक करना चाहें तो उसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं ठीक है सर थैंक यू ओके जी कासिम जी आपका क्या क्वेश्चन है वालेकुम सलाम जी जी वालेकुम सलाम वाई और एक्स एक्सिस के दरमियान जो आपने डिस्टेंस का मैं बताया था शुरू में जी जी ये थोड़ा सेम रखना पड़ता है जी जी सर एक ग्राफ में आपने खुद ही वो मतलब अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप में है ना जो एक्स एक्सिस में जी जी वो डिस्टेंस आपने जरा चेंज किया था वो आपने वैसे किया था कि मतलब कर सकते हैं नहीं नहीं मेरी एक बात ज़हन में रखें ये लाजमी नहीं है कि आप जिंदगी में जितने भी ग्राफ बनाएंगे हमेशा 5-10-15 का गैप रखेंगे लेकिन एक ग्राफ में डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि दो यूनिट के दरमियान जो डिस्टेंस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों का सेम रखेंगे नहीं एक्स एक्सिस पे हो सकता है आप 1-2-3-4 एक एक यूनिट का डिफरेंस ले रहे हैं वाई एक्सिस पे आप 100-100 का डिफरेंस ले लें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि वाई एक्सिस पे 100 यूनिट को जितना फिजिकल मसलन मैं आपको एग्जांपल इस तरह दे देता हूं आप स्केल रखते हैं वाई एक्सिस पे और वहां निशान लगा लेते हैं आधे आधे इंच के हिसाब से कि आधे इंच पे 100 वैल्यू है फिर अगले आधे इंच पे 200 है फिर अगले आधे इंच पे 300 है फिर 400 कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप ये गलती करेंगे कि पहले आधे इंच में आपने 100 लिखा है और अगले आधे इंच में आप 500 लिख देंगे आपने गलती आधे इंच के डिस्टेंस है उसको आपने वैल्यू डिफरेंट दे दिया ये आपने नहीं करना एक्स और वाई की वैल्यू में फर्क हो सकता है वो कोई इशू नहीं है ओके सर थैंक जी और कोई क्वेश्चन है भाई किसी स्टूडेंट का ओके जी थैंक यू जी अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह कल हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे